नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी। हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बनाइट प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन ने 2 दिवसीय क्रिकेट मैच में चंडीगढ़ टीम पर शानदार पारी खेलते हुए जीत की हासिल। जालंधर के खालसा कॉलेज ग्राउंड पर दृष्टि बाधितों में चंडीगढ़ टीम व ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन पंजाब शाखा के बीच 2 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें अंपायर चिंटू कुमार रूबल और रेफरी नवदीप सिंह द्वारा करवाए गए 20 ओवर के मैच में ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन पंजाब क्रिकेट टीम ने एक बेहतरीन पारी खेलते हुए एक शानदार जीत को हासिल किया। वहीं पास में रखे सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली आई जॉब प्रवक्ता मंतोष कुमार व बीपीए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के मौजूद पदाधिकारी प्रधान कुलदीप सिंह, उपाध्यक्ष आनंद शाह, उपाध्यक्ष नीलम, महासचिव सुनील कुमार, मुख्य सलाहकार अजय ठाकुर, सलाहकार सुमन शर्मा व मीडिया प्रभारी नवप्रीत सभी की उपस्थिति में दिल्ली से ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा ने विजेता टीम ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन पंजाब टीम के कैप्टन अक्षय कुमार बीवन को मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। चंदन बीटू को मैन ऑफ द सीरीज नितिन बीथ्री मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। चंडीगढ़ टीम के कैप्टन सुखविंदर सिंह ने बीपीए टीम के कैप्टन जसविंदर सिंह से हाथ मिलाते हुए जीत की बधाई दी। इस 2 दिवसीय मैच में अच्छी पारी खेलने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विजेता टीम के स्पोर्ट्स चेयरमैन रविंदर सीमा द्वारा वहां आए सभी गणमान्य लोगों को टीम के दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की प्रतिभावान कार्यशैली भरी अनोखी गतिविधियों से परिचित करवाते हुए कहा, हमारे दृष्टिबाधित खिलाड़ियों ने अपने बाहरी विकलांगता की कमजोरी को कभी अपनी अंदरूनी शक्ति पर हावी नहीं होने दिया। उनकी यह मजबूती उनको एक संपूर्ण सर्वोत्तम इंसान का दर्जा दिलाती है, जो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। दिल्ली से संवाददाता अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।